Hello and welcome to my YouTube channel JP the Chemist. I am here with another lecture, Mendeleev's classification. I hope you will subscribe my channel so that you can get the updates. So let's begin. Mendeleev's classification. Dmitry Ivanovich Mendeleev was a Russian chemist. He is best remembered for formulating the periodic law and creating a far-sighted version of the periodic table of the elements. Now, Mendeleev's classification. Mendeleev's classification is extended form of Newland's law of octaves. Mendeleev's classification जो है, वो Newland's law of octave का extended version है, या आप कह सकते हैं कि उसका updated version है. आप सब जानते हैं कि न्यूलैंड में न्यूलैंड्स क्लासिफिकेशन जो थी वहां पर एलिमेंट्स को अरेंज किया गया था मासेस की बुनियाद पे, और आपने देखा था कि फॉर एवरी एट एलिमेंट द प्रॉपर्टीज वर रिपीटिंग. तो मेंडेलीव्स क्लासिफिकेशन में भी आप कुछ इस तरह का जो है वो मंजर देखने वाले हैं. यहां पर भी एलिमेंट जो है वो रेगुलर पैटर्न से प्रॉपर्टीज जो है वो क्या करते हैं, उसमें पीरियडिसिटी शो करते हैं. Mendeleev arranged the elements on the ascending order of atomic masses. Mendeleev ने elements को arrange किया था on the ascending order of atomic masses. मतलब कि इसकी जो arrangement है वो भी increasing order of atomic masses की बुनियाद पे है. यानी जिस तरह से elements को arrange किया था तो उसने low to high atomic masses के arrangement में elements को put किया था. क्योंकि मेंडेलीव्स क्लासिफिकेशन न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव का एक्सटेंडेड वर्जन है, इस वजह से मेंडेलीव ने एक पीरियोडिक लॉ जो है वो आप जो है पुट फॉरवर्ड किया. और मेंडेलीव्स पीरियोडिक लॉ जो है उसकी स्टेटमेंट क्या है, तो आप जरा देखें कि प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. मेंडेलीव ने कहा कि ये जो एलिमेंट्स जो हैं जिनकी प्रॉपर्टीज में पीरियोडिसिटी आ रही है, ये जो प्रॉपर्टीज का बार बार रिपीट होना जो आपको जो नजर आ रहा है वो इस वजह से है बिकॉज एलिमेंट्स को हमने एटॉमिक मासेस की बुनियाद पर अरेंज किया है. ठीक, तो मेनलीव पीरियोडिक लॉ की जो मेन आउटलाइन है वो क्या बनेगी कि प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. मतलब कि रिकरेंस इन द प्रॉपर्टीज इज ड्यू टू द फैक्ट बिकॉज द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ 8 ग्रुप्स एंड 12 पीरियड्स. अब ये जो 8 ग्रुप्स होते हैं, नाउ दीज आर द वर्टिकल कॉलम्स ऑफ द मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल. तो आप देख सकते हैं दीज आर द सपोज दिस इज द ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, 6, 7 एंड दिस वन इज द लास्ट 8 एंड देयर आर 12 पीरियड्स. हाउ मेनी पीरियड्स वर देयर इन द मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल? 12. सो दिस हॉरिजॉन्टल रोज लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. तो दीज आर द 12 हॉरिजॉन्टल रोज, दीज आर कॉल्ड द पीरियड्स. तो मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल सिंपली कंटेन्स 8 ग्रुप्स एंड 12 पीरियड्स. रिमेंबर वन पॉइंट कि एलिमेंट्स वर अरेंज हॉरिजॉन्टली ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस इन द पीरियड्स एंड एलिमेंट्स वर पुट इनटू द सेम ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज. मतलब एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टली जब पुट किया गया था तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस की बुनियाद पर अरेंज किया गया था, लेकिन वर्टिकली एलिमेंट्स को कहां रखा गया था, वो रखा गया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज. तो उसका सिंपल मतलब यह है कि जो भी एलिमेंट्स एक ग्रुप में थे वो प्रॉपर्टीज वाइज सिमिलर थे. नाउ मेरिट्स ऑफ मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल, या आप उसको कह सकते हैं कि एडवांटेजेस ऑफ द मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल. फर्स्ट टाइम सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द एलिमेंट्स वॉज डन. नोइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द वन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप, प्रॉपर्टीज ऑफ अदर एलिमेंट्स ऑफ दैट ग्रुप कैन बी गेस्ड. मतलब कि पहली बार एलिमेंट्स की जो स्टडी है वो सिस्टमेटिक वे से दी गई थी.
मतलब कि अगर हम किसी भी एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी जानते हैं, किसी भी ग्रुप के किसी भी एक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज की इंफॉर्मेशन अगर हमें है, तो इनडायरेक्टली हमें उसी ग्रुप के बाकी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को भी प्रिडिक्ट करना इजी हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक ही ग्रुप में आने वाले जो एलिमेंट्स हैं दे शो द कॉमन प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जाम्पल, स्टडी ऑफ सोडियम हेल्प टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द अदर अल्कली मेटल्स ऑफ दैट ग्रुप। मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल में सोडियम जो था वो फर्स्ट ग्रुप में था। सोडियम एक अल्कली मेटल है, सोडियम एक हाईली रिएक्टिव मेटल है, सोडियम मोनोवेलेंट है, सोडियम इजिली अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो लूज करता है। अगर सोडियम की प्रॉपर्टी ये है, तो आप ध्यान से सुनेंगे कि इसी ग्रुप के बाकी एलिमेंट जो हैं, जो अल्कली मेटल्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज भी बिल्कुल कैसी होंगी, सोडियम की जैसी होंगी। तो उसका मतलब है कि अगर हमें किसी भी ग्रुप के किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज का पता है, तो इनडायरेक्टली हमें उस ग्रुप के बाकी एलिमेंट्स की भी इंफॉर्मेशन है। तो दैट्स व्हाई द स्टडी वाज क्वाइट सिंपलर सिस्टमेटिक, बिकॉज नोइंग द वन एलिमेंट ऑफ वन नोइंग द वन एलिमेंट ऑफ एनी ग्रुप, इनडायरेक्टली वी आर नोइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द अदर एलिमेंट्स ऑफ दैट ग्रुप। एक और मेरिट जो कि मैं यहां पर एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, नाउ दैट इज कि मेंडेलीव लेफ्ट वैकेंट स्पेसेस फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। ही ऑल्सो प्रिडिक्टेड द प्रॉपर्टीज ऑफ दोज एलिमेंट्स एज वेल। मेंडेलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में वैकेंट स्पेसेस छोड़ी थी उन एलिमेंट्स के लिए जो कि डिस्कवर्ड अभी होने थे, क्योंकि मेंडेलीव ने प्रिडिक्ट किया था कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि अभी डिस्कवर्ड होने हैं, जो मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में उनको रखा जाना था, उनके लिए उसने वैकेंट स्पेसेस छोड़ी। ना सिर्फ उन एलिमेंट्स के लिए उसने वैकेंट स्पेसेस छोड़ी, बट ही ऑल्सो प्रिडिक्टेड द प्रॉपर्टीज ऑफ दोज एलिमेंट्स एज वेल। He named those undiscovered elements as eka silicon and eka aluminum. तो मेंडेलीव ने जो वैकेंट स्पेसेस छोड़ी थी, कुछ वैकेंट स्पेसेस छोड़ी थी उन अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए, तो उन एलिमेंट्स को उसने क्या कहा था, एज एका सिलिकॉन एंड एका एल्यूमिनियम। एका सिलिकॉन मतलब सिलिकॉन की बात उसने स्पेस छोड़ी थी, एका एल्यूमिनियम का मतलब है कि आफ्टर एल्यूमिनियम ही पुट अ गैप। जर्मेनियम और गैलियम ये दो ऐसे एलिमेंट थे, एक और एलिमेंट भी स्कैंडियम जिसका जिक्र मैंने यहां पर नहीं किया। तो जर्मेनियम जब डिस्कवर हुआ वो एग्जैक्टली उसी स्पेस में फिट आया जो कि मेंडेलीव ने जो है वो वैकेंट छोड़ी थी। इसी तरह से गैलियम भी एग्जैक्टली उसी जगह पे फिट हुआ जो कि मेंडेलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में एक वैकेंट स्पेस छोड़ी थी। जर्मेनियम सिलिकॉन के बाद रखा गया और एल्यूमिनियम गैलियम के बाद, अपना एल्यूमिनियम की बात जो है किसको रखा गया, गैलियम को रखा गया। तो जर्मेनियम आफ्टर सिलिकॉन एंड गैलियम आफ्टर एल्यूमिनियम। नॉट ओनली दीज एलिमेंट्स ऑक्यूपाई द सेम वैकेंट स्पेसेस इन द मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल, बट दीज एलिमेंट्स केम आउट विद द सेम प्रॉपर्टीज व्हिच वर प्रिडिक्टेड बाय द मेंडेलीव। मतलब इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी जो कि मेंडेलीव पहले प्रिडिक्ट कर चुका था जब ये एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए, तो इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज 99.9% वही थी जो कि मेंडेलीव प्रीवियसली प्रिडिक्ट कर चुका था। तो ये बहुत ही ज्यादा एक क्या कह सकते हैं कि मेंडेलीव के फेवर की बात थी। ही ऑल्सो करेक्टेड डाउटफुल एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट्स। मेंडेलीव ने कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस जो कि उस वक्त डाउटफुल थे, दे वर नॉट सपोज टू बी क्लियर के वेदर दीज एटॉमिक मासेस आर राइट और रॉन्ग, मेंडेलीव ने उन एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस को उसने करेक्ट किया। इनमें से एक एग्जांपल यहां पर है कि एटॉमिक मास ऑफ बेरिलियम वाज करेक्टेड फ्रॉम 13.5 amu टू 9 amu। मतलब उस वक्त बेरिलियम का मास जो कि माना जाता था 13.5 amu, बेरिलियम मास वाइज जहां रखा जा रहा था वहां पर बेरिलियम की प्रॉपर्टीज फिट नहीं आ रही थी। बेरिलियम की प्रॉपर्टीज जहां फिट आ रही थी उस हिसाब से इसका मास जो था वो क्या होना मुमकिन था या क्या पॉसिबल था, वो था 9। तो इस तरह से इसने कुछ एलिमेंट जो थे उनके एटॉमिक मासेस को भी इसने क्या किया, करेक्ट किया। एक और पॉइंट इसके मेरिट्स में कि ग्रुप नंबर रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द एलिमेंट्स। मतलब मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट जिस ग्रुप में आ रहा था
उस एलिमेंट के वैलेंस शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन थे जो कि उसका ग्रुप नंबर था। मतलब कि अगर मैं बात करूं कि फॉर एग्जांपल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप वन हैव वन इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, मतलब ग्रुप वन के जो एलिमेंट थे उनके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन था। क्यों? क्योंकि ग्रुप वन जो था, क्योंकि वो ग्रुप वन था तो वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन था। तो सिमिलरली ग्रुप टू जो टू के जो एलिमेंट्स थे उसके उनके आखिरी शेल में दो इलेक्ट्रॉन, ग्रुप थ्री के एलिमेंट जो थे उनके आखिरी शेल में तीन इलेक्ट्रॉन, ग्रुप फोर के जो एलिमेंट्स थे उनके आखिरी शेल में चार इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन। तो ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट थी और इससे हम काफी चीजें प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर ग्रुप वन के एलिमेंट जो है उनके आखिरी शेल में अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं द वे हाउ दीज एलिमेंट्स आर रिएक्टिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं कि एक तरफ है ग्रुप वन के एलिमेंट जिनके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और एक तरफ ग्रुप सेवन के एलिमेंट्स हैं जिनके आखिरी शेल में सात इलेक्ट्रॉन हैं, तो हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ग्रुप वन के एलिमेंट जो होंगे दे शुड हैव अ ग्रेटर टेंडेंसी टू लूज देयर वन इलेक्ट्रॉन, और ग्रुप सेवन के जो एलिमेंट्स होंगे दे शुड हैव अ ग्रेट टेंडेंसी टू एक्सेप्ट दैट इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से हम एलिमेंट्स की जो जो रिएक्टिविटी है वो भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। नाउ डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, जो कि इसके डिसएडवांटेजेस थे, क्या प्रॉब्लम थी इस पर्टिकुलर पीरियोडिक टेबल में, तो आप जरा देखें। सबसे पहली पॉइंट कि नो प्रॉपर पोजीशन फॉर हाइड्रोजन बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज। हाइड्रोजन के लिए कोई प्रॉपर प्लेस नहीं थी मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो किसी पर्टिकुलर ग्रुप के साथ कंप्लीटली मैच नहीं हो रही थी। That's why there was no proper place. There was no proper place for the hydrogen in the Mendeleev's periodic table. No place for isotopes on the basis of atomic masses. आप सब जानते हैं कि Mendeleev's periodic table में elements को arrange किया गया है on the basis of their atomic masses. For example, carbon. हम जानते हैं कि carbon के तीन isotopes हैं. Carbon 12, carbon 13, carbon 14. He placed carbon 12 only, क्योंकि carbon 13 और carbon 14 उस वक्त discovered नहीं थे, isotopes बाद में discover हुए। तो जब ये isotope discover हुए तो Mendeleev's periodic table में उन isotopes के लिए कोई particular place जो है वो नहीं आ रही थी, तो isotope जो थे वो unfit थे in the Mendeleev's periodic table, क्योंकि आप जानते हैं कि हमने Mendeleev's periodic table में element को masses की बुनियाद पर arrange किया है, तो कार्बन 12 के बाद कार्बन 13 की बारी होनी चाहिए, कार्बन 13 के बाद कार्बन 14 की बारी होनी चाहिए, पर इस तरह से आइसोटोप के लिए कोई प्रॉपर प्लेस नहीं थी। ठीक है, तो सिर्फ एक ही आइसोटोप जो मेंडलीव्स के टाइम में डिस्कवर था सिर्फ उसी को प्लेस किया गया, क्योंकि मेंडलीव्स के टाइम में आइसोटोप का कंसेप्ट अभी तक नहीं आया था। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस वॉज नॉट रेगुलर। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को अरेंज तो हमने एटॉमिक मासेस की बुनियाद पे किया था, लेकिन एटॉमिक मासेस का जो इंक्रीज होना है वो रेगुलर पैटर्न में नहीं था, स्मूथ आप कह सकते हैं, या एक स्मूथ जो थी वो इंक्रीमेंट नहीं थी एटॉमिक मासेस में। उसके बावजूद भी कुछ पेयर ऐसे भी थे, कुछ एलिमेंट ऐसे भी थे जहां पर हायर एटॉमिक मासेस वाले एलिमेंट्स को पहले रखा गया और लोअर एटॉमिक मासेस वाले एलिमेंट को बाद में रखा गया। अब हायर एटॉमिक मासेस वाले एलिमेंट को पहले और लोअर वालों को बाद में रखने की वजह यह थी कि अगर हायर एटॉमिक मास वाले एलिमेंट को बाद में रखा जाता है तो उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी उस पर्टिकुलर ग्रुप के साथ मैच नहीं हो रही थी। तो इसने क्या किया कि प्रॉपर्टीज को फेवर किया, ठीक है, और जो एटॉमिक मासेस थे उसकी सेक्रीफाइस दी। मतलब इसने कहा कि क्योंकि एलिमेंट जो है वो प्रॉपर्टीज वाइज फिट हो रहे हैं तो उसने प्रॉपर्टीज को फेवर कर दिया और मासेस को जो है उसने सेक्रीफाइस किया। फॉर एग्जांपल आर्गन 40 देयर वाज प्लेस्ड बिफोर पोटेशियम 39। आर्गन को पहले रखा गया, पोटेशियम को बाद में, जबकि आर्गन को बाद में रखा जाना था और पोटेशियम को पहले, क्योंकि पोटेशियम का एटॉमिक मास आर्गन के एटॉमिक मास से कम है। टेलुरियम प्लेस्ड बिफोर द आयोडीन। अब जानते हैं कि टेल्यूरियम का एटॉमिक मास है 128 जबकि आयोडीन है 127, तो उसूलन आयोडीन को पहले रखा जाना था और टेल्यूरियम को बाद में। सिमिलरली कोबाल्ट प्लेस्ड बिफोर द निकल, जबकि आप जानते हैं कि कोबाल्ट का एटॉमिक मास ज्यादा है और निकल का कम है, तो ये
पर्टिकुलर ये तीन एलिमेंट एज ए सैंपल, मैंने तीन पेयर आप कह सकते हैं कि एज ए सैंपल आपको यहां पर दिए हैं, जहां पर हायर एटॉमिक मासेस के जो एलिमेंट्स हैं देवर प्लेस्ड बिफोर द एटॉमिक बिफोर द एलिमेंट्स विद द लोअर एटॉमिक मासेस. ऑल द ट्रांजिशन मेटल्स वर प्लेस्ड इन द ग्रुप 8. मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स थे देवर प्लेस्ड इन द ग्रुप 8. पर आप जानते हैं कि जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनमें अभी भी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज में डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन बावजूद इसके कि उन मेटल्स में, ट्रांजिशन मेटल्स में प्रॉपर्टीज वाइज थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं या थोड़े बहुत डिफरेंसेस होते हैं, उसके बावजूद इन सभी ट्रांजिशन मेटल्स को एक ही ग्रुप में रखा था, दैट वाज ग्रुप 8. अल्कली मेटल्स वर प्लेस्ड अलोंग विद क्वाइनेज मेटल्स. अल्कली मेटल्स जो थे वो क्वाइनेज मेटल्स के साथ रखे गए. जो मेंडलीव्स पीरियडिक टेबल था उसमें अल्कली मेटल्स को रखा गया था ग्रुप 1 में. Not only alkali metals were placed in the group 1, but also the coinage metal. तो अब ये दोनों जो metals हैं, alkali metals और coinage metals, ये totally different types of metal हैं, इनकी properties totally different हैं. मिसाल के तौर पे alkali metals जो हैं, they are highly react with water. ठीक है, they are highly react with water. Not only they react with water, they are forming alkaline solution because of the formation of hydroxides. इनकी solutions basic होती हैं. और इनके रिएक्शंस पानी के साथ वायलेंट होते हैं, विगरस होते हैं, वेरी फास्ट रिएक्शंस होते हैं. जबकि क्वाइनेज मेटल्स जो हैं, क्वाइनेज मेटल्स लाइक सिल्वर, गोल्ड एंड कॉपर, व्हाई दे आर सो कॉल्ड क्वाइनेज मेटल्स, बिकॉज दीज मेटल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग क्वाइंस. ठीक, तो क्वाइनेज मेटल्स जो थे देवर टोटली नॉट देवर बट दे आर ऑल्सो टोटली डिफरेंट फ्रॉम द अल्कली मेटल्स बिकॉज दे आर नॉट नॉर्मली रिएक्टिंग विद वाटर. They are not forming the basic solution. So, quinine metal or alkali metals being a different types of metal, they were still placed in the same group in the Mendeleev's periodic table. So, these are the some demerits of the Mendeleev's periodic table. That's it for today. Our next lecture jo hoga, that will be modern periodic table, long form of periodic table, ya isko hum kehte hain Moseley's classification. That's it. Thank you. Goodbye.